हुए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे एक गृहस्थ थे और वे बहुत बड़े पोजीशन में भी थे। वो ब्रिटिश राज के वे एक बड़े मैजिस्ट्रेट थे, हाई कोर्ट जज, और उसमें ब्रिटिश राज्य में एक इंडियन को इतना बड़ा पोस्ट मिलना, हम समझ सकते हैं कि कितने बड़े महान, इतने विद्वान और इतने पढ़े लिखे थे। तो हमारी जो गुरु परंपरा में ऐसे वैसे कोई नहीं है, बड़े बड़े भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी, बड़े बड़े जो महान भक्त हुए हैं, जो गृहस्थ होते हुए, गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी भक्ति करते, उनका बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पोजिशन था, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, हाई कोर्ट जज, और वे क्या करते थे, भक्ति, बड़े महान भक्त। उनका जन्म नादिया में बंगाल में हुआ था और उन्होंने बहुत ही, उनको सिक्स गोस्वामी है ना, उनको सेवेंथ गोस्वामी कहते, सेवेंथ गोस्वामी, सातवें गोस्वामी कार्य करते थे और भगवान की सेवा में, भगवान के प्रचार में वे लगे थे। तो उनका जीवन का पूरा सुबह से शाम तक किस प्रकार से वे अपने जीवन को चलाते थे, वर्णन बहुत सुंदर तरीके। अब तो यहाँ पे हम समरी ही बता सकते हैं कि वे जो है क्या करते थे, सोते थे 3 घंटा और 8.5 घंटे वे लिखते थे ग्रंथों को। जैसे हमने देखा है कि कितने कितने सुंदर उन्होंने भजन लिखे हैं, कितने कितने सबसे महान राइटर, पोएट और डिवोटी, शरणागति, गीतावली, कल्याण कल्पतरु, प्रभुपाद जी ने इतने सारे, कितने सुंदर उन्होंने जो भजन लिखे, लिखते थे 8.5 घंटा, जपा करते थे 4.5 घंटा और काम काज करते 6 घंटा जॉब। तो इस प्रकार से वे, क्योंकि वे जो है शास्त्र, इतने शास्त्र, इतने ग्रंथ, बहुत ही विद्वान थे। और ऐसे नहीं कि वे, उनकी परिवार नहीं था, उनके 10 पुत्र थे और उनमें से भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जी विराट गृहस्थी में रहते हुए भी वे, शास्त्र में बताया गया है कि नाना शास्त्र विचार नैक निपिनो सद्धर्म संस्थापना। तो ये जो सद्धर्म संस्थापको, ये कौन करते थे, सद गोस्वामी। और सद गोस्वामियों के जैसे ही श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने भी, उन्होंने बहुत बड़े पैमाने में प्रचार किया, इसीलिए उनको जो है सेवेंथ गोस्वामी, हमारे आचार्यों ने उनको सेवेंथ गोस्वामी के रूप में माना, ऐसा गुरु परंपरा है हमारा। उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु, आज जो है भगवान का जन्म स्थान मायापुर, श्रीधाम मायापुर जो है 500 साल बीतने के बाद लुप्त हो गया था, और श्री भक्ति विनोद ठाकुर थे जिन्होंने इस स्थान को फिर से एक्सकवेट या खोज
थी, और आज का जो मायापुर धाम है, और श्री जगन्नाथ दास बाबा जी ने भी उसको जो है कहा, क्योंकि वे जगन्नाथ दास बाबा जी इतने बूढ़े थे, उनका उम्र इतना हो गया था, वे उनको चल नहीं सकते थे, उनको एक टोकरी में उनको लेके जाते थे, उठा के लेके जाते। और जब भक्ति विनोद ठाकुर ने को पता लगा कि ये जो नवद्वीप, ये जो धाम है मायापुर, योग पीठ, श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान, तो उनका प्रमाण लेने के लिए उन्होंने जगन्नाथ दास बाबा जी को मांगे। जैसे ही वे वहां पे पहुंचे, जगन्नाथ दास बाबा जी जो चल नहीं सकते, इतने जंप उन्होंने उस टोकरी से बाहर निकल के वे उछल के नाचने लगे कि यही है ये स्थान, यही है ये स्थान, श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान। तो इस प्रकार से जो श्री श्री नवद्वीप धाम का भी खोज जो है श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने किया, जिस प्रकार से सद गोस्वामियों को श्री चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन भेजा था भगवान की सभी लीला स्थलों को खोज निकाल के लिए, इस प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर ने मायापुर धाम, तो उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, 100 ग्रंथों से भी अधिक उन्होंने, यहाँ पे बताया जा रहा है कि उन्होंने 8.5 घंटा लिखते थे, और आज ये ग्रंथ हमें हमें कितने उपयोग में आ रहे हैं और हमें कितना मार्गदर्शन दे। तो उन्होंने ये जो है 100 से भी अधिक ग्रंथ लिखे, उन्होंने श्री मायापुर धाम का खोज उन्होंने किया, उन्होंने इतने इतने सारे प्रचार केंद्र और बहुत सारे ग्रंथ बंगाली, ओडिया और अंग्रेजी में श्री महाप्रभु के संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए, और श्री चैतन्य महाप्रभु ने आदेश, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा या रचना की, क्योंकि वे बिजी थे किसमें, हरि नाम को बांटने में, सिर्फ उन्होंने 8 श्लोक जो है शिक्षा अष्टकम के रूप में दिया, पर उन्होंने अपने जो शिष्य को, सद गोस्वामियों को उन्होंने ये जो एम्पावर किया कि वे जो है ये भागवत धर्म के विषय में ग्रंथ लिखे, भगवत भक्ति के विषय में ग्रंथ लिखे, बहुत सारे किताबें, बहुत सारे भजन, बहुत सारी कविताएं, और ये कविताएं और भजन जो है शास्त्र है, जैसे कि हम हर एक भक्ति विनोद ठाकुर का भजन जो है भागवतम का एक अध्याय का हम थीम सॉन्ग बना सकते हैं, जैसे कि हमने तुमी सर्वेश्वरेश्वर व्रजेंद्र कुमार, तो ये तुम ही सर्वेश, कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, कारणों के कारण, ये एक ऐसा नहीं है, मीरा का भी शाम तो मेरा, ऐसा भजन नहीं है, ये शास्त्र है, परिपक्व अवस्था में महान भक्त लिख रहे हैं जिन्होंने भगवान को समझा है, ऐसे भक्त भक्ति विनोद ठाकुर ने ऐसे ऐसे कविता, मानस देहो गे हो जो कुछ किच्छु मोर, आप आज के श्लोक, मानस देहो गे हो जो कुछ मेना अर्पिलु तुआपदे नंद किशोर, जब हम ये भजन गाते हैं तो शास्त्र मन में आता है, तो ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर हमारे गुरु परंपरा के आचार्य, तो इसीलिए हमें इस गुरु परंपरा से जो जो वाणी आ रही है उसको हमें
समझना है, यहाँ वहां नहीं। ऐसा गुरु परंपरा कहीं पे भी ये सबसे प्रामाणिक है। और इतने ऐसे नहीं है कि वो कोई ऐरे गेरे थे और कुछ सब कुछ छोड़ के गृहस्थ में लेके बड़ी पोजीशन में डिस्ट्रिक्ट मैनेज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते हुए भी भक्ति तिलक और कंठी माला जा पहन कर जाते, इतना बड़े पोजीशन। जगन्नाथ पुरी मंदिर के वे बहुत बड़े महत्व भी थे। तो इस प्रकार से श्री भक्ति विनोद ठाकुर जो है, और 1896 में देखो उनका प्रचार कितना महान बड़ा फैला हुआ प्रचार। अभी ये तो 1896 में कोई नहीं था। अभी हम प्रभुपाद जी को का देखते हैं कि हम सुन रहे हैं कि कितने साल पहले कोई भी नहीं गया था यूएसए में, क्योंकि यूएसए इतना कोई जानता नहीं था, सब यूके जाते थे प्रचार के लिए, यूएसए में कोई नहीं। प्रभुपाद जी पहले थे जो यूएसए में गए। उसके पहले कौन था? भक्ति विनोद ठाकुर ने। भक्ति विनोद ठाकुर ने 1896 में उन्होंने उनकी किताब श्री चैतन्य महाप्रभु हिज लाइफ एंड प्रीसेप्ट्स इन इंग्लिश में पूरे वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज में उन्होंने और लाइब्रेरीज में उन्होंने ये ग्रंथ भेजा, श्री चैतन्य महाप्रभु लाइफ एंड प्रीसेप्ट, क्योंकि वे चाहते थे। तो पहले प्रचारक कौन थे पाश्चात्य देश में, वेस्टर्न कंट्रीज के प्रचारक पहले भक्ति विनोद था। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जब अमेरिका में पढ़ते थे तो वो लाइब्रेरी में जाते थे और उनके हाथ में ये किताब आई, लॉर्ड चैतन्य हिज लाइफ एंड प्रीसेप्ट। और वे भी जो है इस प्रकार से इस किताब इस ग्रंथ से, और तभी से हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जो बीबीटी के मेन ट्रस्टी है प्रभुपाद जी के बुक्स, क्योंकि ये किताबों के द्वारा इतना प्रचार श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने शुरू किया। भक्ति विनोद ठाकुर ने 3 भविष्यवाणी की थी कि बहुत जल्द एक महान भक्त आएगा, उन्होंने लिखा है। और वो क्या करेगा? पूरे पृथ्वी में, पूरे जो इस वर्ल्ड में जाएगा और श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश को फैलाएगा। प्रिडिक्शन नंबर 1 कंप्लीटेड। किसने किया? इस डिवाइन ग्रेस ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभु। दूसरा, वेरी सून द चैंटिंग ऑफ द हरे हरी नाम संकीर्तन विल स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से सब हर रोज शाम को देखते हैं। कौन सा देश ऐसा नहीं रहा है जहां पे हरी नाम का प्रचार नहीं हुआ है और जहां पे प्रभुपाद बोल्डली बता रहे हैं सबको हरी नाम लो। आज अमेरिका सबसे लीडिंग देश है, तो आप लोग हरी नाम दो, और अगर आप हरी नाम को स्वीकार करेंगे तो पूरा पूरी दुनिया जो है आपको फॉलो कर। ये और यही हुआ। और हम देखते हैं आज अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, चाइना भी
अभी कुछ दिन पहले हम गए थे, जब हम गए थे चाइना में, हमने देखा कितना प्रचार वहां पे भी हो, वहां पे कठिन है फिर भी। जब मैं गुरु महाराज को मिली वहां पे चाइना में, तो वे शर्ट और ये पहन के गए थे, बाद में उन्होंने संन्यास का जो एक प्रचार के लिए, नो नो नो, मैं फोटो लेने जा रहे थे, बोले नो 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 डोंट टेक फोटो, क्योंकि यहाँ पे वर्जित है दूसरा कोई धर्म वगैरह प्रचार करना। फिर भी वही हुआ था रशिया में। अभी रशिया देखो, रशिया इज टेकन ओवर इस्कॉन, इतने रशियन भक्त है अभी, हर हर कोने में जाओ रशिया में, सब जगह जो है भक्त दिख रहे हैं, हर जगह रथ यात्रा हो रही है, हर जगह भगवान का हरि नाम हो रहा है, चाहे वो पेरिस हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो कोई भी देश, चाइना से लेकर मिडिल ईस्ट में भी, दुबई, अबू धाबी, बारेन। देखिए अभी हमारे ग्रुप में से एक माता जी है, जटिला राधिका माता जी, वो बारेन बारेन से जुड़ गई है, इंडियन, लेकिन भक्त कहाँ से बनी, भारत। अभी यहाँ पे अपने ग्रुप में कौन है, मंजू मिश्रा माता जी, वो मस्कट से ज्वाइन हो गए, है कि नहीं मंजू मिश्रा माता जी, आप है सुन रहे हैं ना। तो इस प्रकार से पूरे विश्व में, ये दूसरा प्रेडिक्शन, एक तो एक व्यक्ति आएगा, दूसरा हरि नाम का प्रचार, और सबसे महत्वपूर्ण प्रेडिक्शन जो अब हम देख रहे हैं, कि ये सब जो है अनेक अनेक विदेशों के भक्त जो है श्री धाम मायापुर में आएंगे और एकत्र होकर नाचेंगे गाएंगे और हरि नाम लेंगे। तो ये मायापुर में हम देख रहे हैं, पहले कोई जानता है मायापुर मैप पे था ही नहीं, वर्ल्ड मैप में आज मायापुर बड़ा वर्ल्ड मैप में, आज रथ यात्रा निकाल रहे, वर्चुअल रथ यात्रा वहां से मायापुर धाम, इतना बड़ा, सबसे दुनिया का सबसे भव्य मंदिर, द टेम्पल ऑफ द वेदिक प्लेनेटोरियम, TOVP बन रहा है, ऐसा मंदिर कभी बना नहीं है और भविष्य में भी ऐसा मंदिर बनना कठिन है। ये है श्री चैतन्य महाप्रभु। और कौन है, किसने इसका भविष्यवाणी किसने किया, श्री भक्ति विनोद ठाकुर। भक्ति विनोद ठाकुर ने यह नामाहाटा, ये हाउस प्रोग्राम किसने शुरू किया, ये नामाहाटा श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने। तो इस प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर जो है, ये आज उनका तिरुभाव दिन है, और उसी दिन श्री गदाधर पंडित का भी तिरुभाव दिन है। और उनके अमेजिंग है ना, क्योंकि उनको किसको पूछते थे, गौर गदाधर। अभी हम जाएंगे, जाते हैं मायापुर में, सुरभि कुंज सुंदर उनका अभी भी घर है, भक्ति विनोद ठाकुर का घर बोधरूम द्वीप में। और वे इतने महान थे कि उनके लिए एक स्पेशल रेलगाड़ी, वहां पे रेल की पटरी है जो सीधा जो है उनको उनका ऑफिस में ले जाते थे, ट्रेन, स्पेशल ट्रेन, ऐसे महान। सिर्फ सोशली नहीं, लेकिन भक्ति में भी महान थे, ऐसे भक्त का आज जो है श्री जो भक्ति विनोद ठाकुर और उनके पूज्य बेटी जो है श्री श्री राधा माधव,
जो है अभी भी वृंदावन में, जब कार्तिक महीने में हम जाते हैं, आई थिंक लास्ट 4-5 दिन कार्तिक महीने में भक्ति विनोद ठाकुर की पूजनीय जो मूर्तियां हैं वहां पे ऑल्टर में रहेंगे, राधा श्याम सुंदर, राधा माधव। इसीलिए मायापुर के डेटीज का नाम है राधा माधव, क्योंकि मेन आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर पूजनीय, और उनकी उनका आदेश अनुसार श्री प्रभुपाद जी ने प्रचार किया, श्री भक्ति सिद्धांत गोस्वामी के आदेश अनुसार प्रचार किया। ये है परंपरा। बोलो श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय, श्री प्रभुपाद की जय। बहुत सुंदर। हम जो सब पूरा सॉन्ग बुक जो है उसमें इतने सारे भजन है, और गीतावली है अलग से वो भी मिलता है, और शरणागति, शरणागति कैसे होना चाहिए ये सब उन्होंने इतनी सुंदर गीत से हमें बताया। बोलो श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय, बोलो श्री प्रभुपाद की जय।